जी कहीं आज हाँ जी, हाँ जय जिनेंद्र जी। हाँ पंडित जी आ गए। जय जिनेंद्र जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अभी दो लोग आए, जरा एक मिनट करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, 2 मिनट करता। हाँ जी, सबसे पहले मंगलाचरण शुरू कर देता हूँ। सब सिद्धन को नमन करी, तीन लोक शिर मोर, रचू ग्रंथ संक्षेप यह, तीन लोक का सार। लोक भावना का विषय और विचय संस्थान, धर्म ध्यान का माध्य यह, अध्ययन करो सुजान। जो मैंने अध्ययन किया, रखता हूँ उद्गार। तिलोय पणति जो कहे, कहता त्रिलोक सार। रचना इस संसार की, क्या क्या है आधार। लोक विभाग में जो लिखी, बात कहूं मैं सार। तीन लोक वर्णित हुए, ग्रंथ ले ये आकार। प्रज्ञप्ति जम्बू द्वीप का, ज्ञान इनका आभार। सार ग्रहण शास्त्र से, रचूं ग्रंथ उन्मूल। सुधि जन पड़े सुधार के, क्षमा करे मम भूल। देखिए, करुणान योग का विषय चल रहा है। तीन लोक की रचना किस प्रकार की है और उसमें कैसी कैसी गतिविधियां हो रही हैं, स्वर्ग नरक कहाँ है, अधोलोक का वर्णन अभी चल रहा है। अधोलोक में नीचे नारकी किस तरह से रहते हैं और पहली नरक पृथ्वी के भी बीच में जो 1,000 योजन के बीच में जो है गैप बने हुए हैं, उन गैप के अंदर जो है भवनवासी और व्यंतर देवों का निवास स्थान है। कुछ और व्यंतर देव मध्यलोक में भी रहते हैं, कुछ जो है पहली पृथ्वी के खर भाग और पंख भाग में भी रहते हैं। ये चर्चा अपनी पहले हो चुकी है। आगे यदि कोई प्रश्न है तो पूछ लेना आप बीच में। इसके आगे देखिए क्या बता रहे हैं इसमें, कि अधोलोक का आकार है मृदंग के समान है। अधोलोक का आकार मृदंग के समान है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा मृदंग यानी ढोलक होता है, लेकिन ढोलक के साथ में एक तबला होता है। जो तबला क्या नीचे से थोड़ा सकड़ा होता है, ऊपर से थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है। यदि उसको जरा उल्टा रख दिया जाए तो वो अधोलोक के आकार का हो जाता है, है ना। इसकी ऊंचाई अधोलोक की 7 राजू बताई थी, गहराई भी 7 राजू बताई थी, लेकिन चौड़ाई नीचे से 7 और ऊपर से 1, यानी कि औसत निकालें, औसत मीन्स एवरेज, तो जो है इसकी एवरेज 4 राजू की जो है इसकी चौड़ाई हो जाती है। यदि 7 को 7 से गुणा करें, फिर 4 से गुणा करें, तो 196 घन राजु जो है इसका परिमाण, यानी लोक का, अधोलोक का क्षेत्रफल आ जाता है, एरिया आ जाता है। अधोलोक में 7 नरक पृथ्वियां है, कितनी है, 7 नरक पृथ्वियां है। टोटल पूरे लोक में 8 नरक पृथ्वियां है, 1 नरक पृथ्वी बची जो कि सिद्ध शिला के पास है। सिद्ध शिला ही है, मतलब वो सिद्ध शिला है, वो 8वीं नरक पृथ्वी, वो 8वीं पृथ्वी है लोक की, बाकी 7 पृथ्वियां नरक में है। इन 7 नरक पृथ्वियों के नाम भी मैंने आपको बताए थे, एक बार चाहिए तो फिर से याद दिला दें। देखो एक बार याद दिला देते हैं, ये 7 नरक पृथ्वियों के नाम है, रत्न प्रभा,
पहली पृथ्वी का नाम है, दूसरी का शर्करा प्रभा है, तीसरी का बालू का प्रभा। याद कर लीजिए, बहुत इजी है। रत्न शर्करा बालू का पंक धूम तम महातम प्रभा भूमय, ये सूत्र है तत्वार सूत्र में। तो ये सात नरक पृथ्वियां हैं और इनके नाम भी यहां पर रखे हैं और साथ में उपनाम भी हैं इनके। उपनाम बोलिए या गोत्रज नाम बोलिए, इनके गोत्र नाम भी हैं। नाम बहुत छोटे हैं वो, घर्मा वंशा मेघा अंजना अरिष्टा मघवी और माघवी, ये जो है सात पृथ्वियों के दूसरे नाम है, दो दो नाम है इनके, ठीक है। पहली पृथ्वी 180,000 योजन मोटी है, है? इसके तीन भाग हैं, खर भाग 16,000 योजन का है, पंख भाग 84,000 योजन का है और तीसरा अबहुल भाग वो 80,000 योजन का है। कुल मिलाकर 180,000 हो जाता है। ये पहली नरक पृथ्वी बहुत मोटी है, तीन भागों में बटी हुई है और जो पहला भाग खर भाग और दूसरा पंख भाग, उनके बीच में बहुत सारे 1,000 योजन के गैप हैं, है ना। उन गैप के अंदर भवनवासी व्यंतरदेव रहते हैं। और तीसरा जो भाग है, पहली पृथ्वी का तीसरा भाग जिसका नाम अबहुल भाग है, उस अबहुल भाग में प्रथम नरक के नारकी रहते हैं, ठीक है। पहला नरक और दूसरा नरक, ये दो नरक एक राजू में है। पहला नरक और दूसरा नरक एक राजू में है और बाकी के पांच नरक एक एक राजू में है। पांच नरक एक एक राजू में होने से पांच राजू वो और एक राजू में पहला दूसरा, इस प्रकार छह राजू में सात नरक हो गए, छह राजू में सात नरक हो गए और बचा हुआ एक राजू जिसमें कलकल पृथ्वी नीचे नित्य निगोदिया जीव रहते हैं। सात राजू का हिसाब हो गया पूरा, ठीक है। बहुत फांसी हो रही है अभी। देखिए, दूसरी पृथ्वी है 32,000 योजन की है, 28,000, चार हजार योजन कम करने हैं, 28,000 की है। फिर चौथी 24,000 की है, पांचवी 20,000 योजन की है, छठी 16,000 योजन की है और सातवीं में चार नहीं आठ कम कर दो, आधी रख लो तो 8,000 योजन की है। इजी है, इसको याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि पूरे नरक में तो नरकों में टोटल पटल की संख्या 49 है, 49 है, 49 पटल। पटल क्या होते हैं? जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, एक के ऊपर एक है, एक फ्लैट है उसके ऊपर दूसरा है, उसके ऊपर तीसरा है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, ऐसे समझो आप। 49 जो है स्टोर की जो है, ये पूरी नरक की, सात नरकों की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ऐसा समझ लो आप। उसमें से ऊपर के 13 स्टोरेज जो बने हैं, यानी पहले नरक में 13 पटल हैं, दूसरे नरक में 11 पटल हैं, है ना। ये पटल नीचे नीचे कम होते जा रहे हैं, दो दो कम करने हैं, याद रखना, दो दो कम कर लीजिए। पहली नरक में 13, दूसरी में 11, तीसरी में 9, चौथी में 7, पांचवी में 5, छठी में 3 और सातवीं में 1। बिल्कुल सीधा है, ऊपर से याद नहीं रहे तो नीचे से रखो, नीचे से ही स्टार्ट है इसलिए याद रहेगा। सातवीं में 1 है, फिर 2 बढ़ा दो, छठी में 3 है, ठीक है। अब ये पटल कम ज्यादा होने से इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये नरकों में, सभी नरकों में बराबर बराबर स्पेस नहीं है, है ना। सब में अलग अलग स्पेस है। पहले नरक की स्पेस सबसे ज्यादा है, वहां सबसे ज्यादा बिल है, वहां की वैकेंसी सबसे ज्यादा है और सातवीं नरक में सबसे कम पटल है, सबसे कम बिल है, वैकेंसी बहुत कम है, वैकेंसी कम है। क्यों कम है? क्योंकि सातवें नरक के योग महापाप करना हर जीव के बस की बात नहीं है, उसके महापुरुषार्थी जीव चाहिए। जो बहुत तीव्र पुरुषार्थी होगा वही सातवें नरक जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये नीचे सब, ये पिछली बार बता चुका मैं आपको, इसके आगे की जो बात है वो करते हैं आपको, क्योंकि ये बात बहुत लंबी चौड़ी है, ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में थोड़ा समझाना मुश्किल भी पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं है, कोशिश करते हैं। देखो यहीं पर ही लिखता हूं मैं। ये पहली नरक पृथ्वी जिसमें 13 पटल हैं, इस पहली नरक पृथ्वी में के 30 लाख बिल हैं। कितने? 30 लाख बिल,
पहली नरक पृथ्वी में, ठीक है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है। अब आप ये मत समझ लेना कि 13 लाख बिल का मतलब है कि वो, सॉरी 30 लाख बिल का मतलब ये है कि 30 लाख सीटें हैं, ऐसा नहीं है। 30 लाख तो बिल है और एक एक बिल में बहुत बहुत नारकी रहते हैं, है? जो छोटे बिल हैं उनमें संख्यात नारकी है, जो बड़े बिल हैं उनमें असंख्यात नारकी है, ठीक है। इसलिए 30 लाख बिल का मतलब 30 लाख वैकेंसी नहीं समझना, इस पहले नरक में 30 लाख नारकी रहते होंगे ऐसा मत समझना, बल्कि इसमें बहुत सारे असंख्यात नारकी रहते हैं, ठीक है। लेकिन बिलों की संख्या 30 लाख, ठीक है। टोटल बिल कितने हैं सातों नरक के? 84 लाख, 84 लाख। तो अब देखो दूसरे नरक में कितने बिल हैं? 25 लाख है, ठीक है। तीसरे नरक के बिलों की संख्या है 15 लाख, ठीक है। फिर चौथे नरक में बिल हैं 10 लाख, इसके बाद में पांचवें नरक में 3 लाख, यही है ना क्रम? देख लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं, यही होना चाहिए क्रम, बराबर है, ठीक है। फिर इसके बाद में अब कितने बिल हो गई है और कितने बच रहे हैं 84 लाख में से, हिसाब गिनते जाओ आप। 4 बच रहे, कितने हो गए? 83 लाख हो गए क्या 84 लाख में से? 40 और 40 80 और 3 83 हो गए, और अब 2 नरक बाकी हैं अभी, ठीक है। टोटल बिलों की संख्या 84 लाख होनी चाहिए, जिसमें से 83 लाख तो हो गई है, अब 1 लाख बचा है और हमारे पास 2 नरक बचे हैं, यानी कि इनमें 1 लाख से भी कम है, ठीक है। यहाँ पर बिलों की संख्या 99,999 है, वो 99,995 है, 5 कम 1 लाख है, 1 लाख में 5 कम, और बाकी के जो 5 बच्चे हैं वो आप यहाँ पर लगा दो। सातवें नरक में बिल है मात्र पांच बिल है, ठीक है। समझ में आ रही है? कोई कठिन तो नहीं है बात? समझ में आ रही है एकदम? कोई दिक्कत है? ठीक है, धन्यवाद। तो अभी देखो टोटल अपने पास संख्या हो गई कितनी, कितनी बिल हो गए? कुल पृथ्वियां हो गई 7 और बिल हो गए 84 लाख, ठीक है। इतने जो है अपने पास संख्या आ गई। अब इसके आगे की जो बात करें वो समझिए कि ये जो बिल हैं ये क्या चीजें और कैसी दिखते हैं, ठीक है। किस प्रकार के होते हैं, कैसे दिखते हैं, जमीन में होते हैं क्या, जमीन में नहीं होते हैं? ये जो है आपकी जो छत है इसमें उल्टे क्रम में, आप ऐसा समझो कि जैसे आप यहाँ शहर में तो क्या होता है तारे नहीं दिखते, लेकिन कहीं गांव वगैरह में आपने देखे होंगे आकाश में तारे दिखते हैं रात्रि में। रात्रि में जब हम ऊपर देखते हैं तो आसमान में बहुत सारे तारे हैं, ठीक है। इसी तरह से यदि आप नरक में हो, कल्पना करो नरक में हो और ऊपर की तरफ देखेंगे ऐसा, तो आपको ऊपर चारों तरफ जैसे तारे होते ना, ऐसे तारे की तरह खूब सारे बिल दिखेंगे, है ना। जैसे पक्षी का, हाँ भया पक्षी का जैसे घोंसला होता है ना, ऐसे जो है वो बहुत सारे उल्टे बिल बने हुए हैं जिनमें नारकी उल्टे लटके रहते हैं। जैसे यूं समझो कि एक माता के पेट में बच्चा उल्टा लटका रहता है, इसी तरह से नारकी भी वहां पर उल्टे लटके रहते हैं और वहां से नीचे गिरते हैं, है? वो वर्णन तो आएगा ही, वो वर्णन भी करेंगे, नरक के दुखों का वर्णन भी करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार इन बिलों का स्वरूप समझाना चाह रहा था। बिलों का स्वरूप समझाने के पहले बिल कितने हैं, बिल कैसे, बिल किस प्रकार स्थित हैं, कितने प्रकार के हैं, उनकी संख्या कितनी है, है ना, ये चीजें आपको समझानी है। तो इतना इतना समझ में आया। अब देखो इसके बाद मैं वापस आपको बताऊं कि जो बिल हैं वो मतलब पूरा, जैसे ऊपर की तरफ देखेंगे तो बिल ही बिल दिख रहे हैं। अब वो बिलों का कोई सिस्टम है कि बिना सिस्टम के ही बिल हैं वो, कोई है कि नहीं? तो उसके लिए आप समझो कि उसके लिए समझो कि 3 प्रकार के बिल हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बिल हैं टोटल, ठीक है। बिल 3 प्रकार के हैं,
पहले बिल को बोलते हैं इंद्रक बिल, पहले प्रकार के जो बिल होते हैं वो इंद्रक बिल है, दूसरे प्रकार के जो बिल हैं उनको बोलते हैं श्रेणीबद्ध बिल, ठीक है, श्रेणीबद्ध पंक्तिबद्ध रो वाइज सीधे सीधे एकदम लाइन से, ठीक है। जो तीसरे प्रकार के बिल हैं वो हैं प्रकीर्णक बिल, प्रकीर्णक बिल है, ठीक है। तीन प्रकार के बिल होते हैं टोटल, जरा नीचे ले लेता हूं, ये तीन प्रकार के बिल होते हैं टोटल। अब ये तीनों प्रकार के बिल कैसे होते हैं, इनका क्या स्वरूप है, इंद्रक बिल कौन है, कैसा होता है, कहां होता है, तो आप समझो कि नरक तो आपको पता ही है कैसे कहां होंगे। एक मिनट देखो, आपको दूसरी चीज पहले याद दिलाएं, ये टेबल, ये तृष्णाली को एक बार जरा याद कर लो आप, कैसी दिखती है तृष्णाली, ये तृष्णाली आपको एक बार समझ में आनी चाहिए कि कैसी दिखती है। तृष्णाली के बाहर की जितनी भी बातें हैं, बाहर का जितना भी क्षेत्रफल है 330 राजू के लगभग, वो तो अपन पहले निपटा चुके, 329 है वैसे तो, लेकिन एक कलकल पृथ्वी को और मिलाकर के 330 राजू का तो अपन बात ही नहीं कर रहे, वो तो पहले ही खेल खत्म कर दिया, ठीक है। अब बच्चा जो 13 राजू 14 राजू की तृष्णाली में से जो 13 राजू बचा है उसी की चर्चा चल रही है और इसी की चलेगी आगे भी, अब पीछे की बात भूल जाना, ठीक है, भूल जाना मतलब बार बार बीच में डिस्टर्ब मत रखना इसमें। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जो ये तृष्णाली है ये कैसी है, चौकोर है, लंबी तो है, ऊंचाई में बहुत है, लेकिन अभी ऊंचाई को जाने दो, चौकोर है, ठीक है, चौकोर है, तो इसकी जो प्लेट निकलेगी, परत, एक एक परत, एक एक पटल, वो भी चौकोर निकलेगी, ये इतना तो मालूम है, ये तो छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, चौकोर की जब परत बनाएंगे तो वो भी चौकोर ही निकलेगी, ठीक है। अब जो चौकोर है तो कितनी लंबी कितनी चौड़ी, जितनी लंबी होगी उतनी चौड़ी होगी, इतना तो क्लियर है, लेकिन कितनी, एक राजू लंबी होगी और एक राजू चौड़ी होगी, चौकोर होगी। तो हर नरक की जो पटल है वो कैसी है, एक राजू लंबी एक राजू चौड़ी है, चौकोर है बिल्कुल। पहले नरक की 13 पटल वो चौकोर है, दूसरे नरक की 11 पटल वो भी चौकोर है, सब 49 की 49 पटल एकदम चौकोर है, एक राजू लंबी है एक राजू चौड़ी है, बिल्कुल चौकोर चौकोर 49 पटल ऊपर से नीचे लगातार बनी हुई है, ठीक है। अब वो जो चौकोर पटल है एकदम चौकोर, उस चौकोर पटल के बिल्कुल सेंटर में एकदम बीचों बीच गोल, बीचों बीच गोल एक बिल बना हुआ, कोई भी पटल ले लेना, हर पटल में ऐसा है, हर पटल का ही सिस्टम है। अभी पहली पटल, क्यों कंफ्यूजन मत हो, पहले एक एक पटल समझ लो, एक पटल समझ गए तो दूसरी भी आसान है, तीसरी भी आसान है, फिर सब आसान है, एकदम अपने आप समझ जाएंगे। इसलिए आप पहले एक पटल ले लो, पहली वाली, पहली वाली पटल, वो पहली वाली जो पटल है उसका नाम भी है सीमंतक पटल, उसका नाम है सीमंतक पटल, ठीक है। उस सीमंतक पटल, पहले नरक की पहली परत, उसका नाम सीमंतक पटल है, बिल्कुल चौकोर है, एक राजू लंबी है एक राजू चौड़ी है, और उसके बिल्कुल बीच में एकदम सेंटर पॉइंट पर गोल एक बिल बना हुआ है, और उस बिल का नाम भी उसी पटल के नाम पर है, जैसे पटल सीमंतक पटल तो बिल का नाम सीमंतक इंद्रक, सीमंतक इंद्रक बिल है, उस बिल का नाम भी पटल का नाम के अनुसार ये सेम है, हर पटल का और उस पर स्थित इंद्रक बिल का दोनों का नाम एक ही है ना। तो सीमंतक पटल पर सीमंतक इंद्रक है, गोल है, बीचों बीच है, ठीक है, गोल है बीचों बीच है। तो अब इसका मतलब क्या, कितना गोल है, इसका डायामीटर कितना है, डायामीटर जानते ना, एक एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी, वो जो गोल इंद्रक बिल है वो कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है, उसका जरा अंदाजा करना है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जो दूरी है वो है 45 लाख योजन, इतना है वो बिल। बताओ, अपन को तो बिल शब्द सुनकर के ऐसा लगता है कोई होगा छोटा मोटा बिल, ऐसा नहीं है, छोटा मोटा बिल नहीं है, बहुत बड़ा बिल है वो, 45 लाख योजन का, और ये तो अभी छोटे ही हैं, इससे भी बड़े बड़े बिल हैं, ये तो बहुत छोटा है। जिनको हम माप सकते हैं वो होते हैं संख्यात योजन के बिल, जिन बिलों को हम माप नहीं सकते वो होते हैं संख्यात योजन के बिल,
तो असंख्यात योजन वाले बिल भी हैं, है ना, वो भी बहुत हैं, बल्कि ज्यादा संख्या तो असंख्यात योजन वालों की है। संख्यात योजन के बिल तो थोड़े हैं, जो छोटे बिल हैं वो तो कम हैं, बड़े बिल ही ज्यादा हैं नरक में। जब एक बिल संख्यात योजन का है तो उससे चार गुने बिल असंख्यात योजन के हैं, यानी पांच बिल में से एक बिल तो संख्यात योजन का है और चार बिल असंख्यात योजन के, चौगुने बिल असंख्यात योजन के हैं, ठीक है। लेकिन असंख्यात योजन के बिलों को अभी जाने दो, पहले तो एक इंद्रक बिल समझ लो आप, इंद्रक है 45 लाख योजन, ठीक है। और आगे के इंद्रक में बाद में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो जाए, सीधे सीधे पहले तो ये जो चल रही है ना बात, इसी को पहले समझ ले, ये क्या है इंद्रक बिल, ठीक है। इंद्रक बिल एकदम बीचों बीच होता है, ठीक है, इंद्रक बिल एकदम बीचों बीच होता है, चौकोर प्लेट है, ध्यान रखना, चौकोर प्लेट पे बीचों बीच होता है। अब जो नीचे बिल है ये श्रेणीबद्ध बिल है, ये कैसा है, ये लाइन से बने होते हैं, एकदम लाइन से, बिल्कुल एक के बाद एक, एक के बाद एक, बिल्कुल सीधे 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 एक ही दिशा में। यदि पूर्व दिशा में है तो पूर्व दिशा में एक के बाद एक के बाद एक के बाद जगह छोड़ के और बने हुए हैं। पश्चिम दिशा में भी बने हैं, उत्तर दिशा में बने हैं, दक्षिण में भी बने हैं, चारों दिशाओं में लाइन से। देखो आकाश में जब हम तारे देखते हैं तो वो तारे हमको अस्त व्यस्त दिखते हैं, पता नहीं कहाँ है, इनका कोई सिस्टम ही नहीं है, है ना। ऐसे ही ये जो हैं, ये भी जब पटल को जब देखेंगे ना ऐसी लगे तारों से भरे हुए आसमान के समान, लेकिन इनमें भी एक सिस्टम है। ये श्रेणीबद्ध जो है चारों दिशाओं में लाइन है ना, और चारों विदिशाओं में भी, याद रखना चार दिशा और चार दिशा, टोटल आठ दिशाएं हुई, आठों दिशाओं में सीरियल से एक के बाद एक बिल बने हुए हैं, लाइन से, एकदम लाइन से, लाइन से बने हुए बिल, ठीक है। ये श्रेणीबद्ध है, श्रेणीबद्ध, ठीक है, लाइन से बने हुए बिल, ये जो चारों दिशाओं और चारों विदिशाओं हैं, ठीक है, चारों दिशाओं में और चारों विदिशा, ठीक है। दिशा तो आप समझते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन विदिशा मतलब पूर्व और उत्तर के बीच की, पूर्व और दक्षिण के बीच की, ऐसे है ना, चारों दिशाओं के बीच में एक एक दिशा और, उनको बोलते हैं विदिशा, ठीक है। तो ऐसे आठ दिशाओं में लाइन से बने हैं, वो भी बताऊंगा, लेकिन इसके पहले कितने बने लाइन, उनकी भी संख्या है वो भी बताएंगे। लेकिन प्रकीर्णक बिल क्या होते हैं वो भी समझ लीजिए। प्रकीर्णक बिल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने हाथों में चावल भर लो, एक एग्जांपल से समझ लो प्रकीर्णक बिल। प्रकीर्णक बिल कोई एकदम फिक्स जगह पर नहीं है, उनका कोई सिस्टम नहीं है, वो किधर है। जैसे आपने हाथों में चावल लिए और चावल की मुट्ठी भर के और चावल को ऐसा बिखेर के फेंक दिया किधर भी, ठीक है। तो अब कौन सा चावल कौन से स्थान पर गिरेगा, इसका कोई नियम है क्या? कोई भी चावल कहीं भी गिर सकता है। इसी तरह से वो जो पूरी पटल है चौकोर, चौकोर पटल, उस पर किधर भी कहीं पर भी कैसे भी आड़े तिरछे ऊंचे नीचे किधर भी कहीं भी कोई भी बिल होगा, इनके अलावा एक्स्ट्रा इंद्रक बिल के अलावा और श्रेणीबद्ध बिल के अलावा जितने भी बाकी के बिल हैं वे सब प्रकीर्णक बिल कहलाते हैं। उनको पुष्प प्रकीर्णक बिल भी कह सकते हैं, फूलों के समान, जैसे चावल पुष्प है ना, पुष्प चावल को पुष्प बोलते हैं, उनको किधर भी बिखेर दो कहीं पर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको वो दिखाता ही हूं कि ये कैसे होते हैं। देखो आपको वो पटल का पूरा चित्र ही दिखाते हैं, एक मिनट, ये चित्र देखो, ये है पहली नरक का पहला पटल, ठीक है। पहली नरक का पहला पटल वैसे तो चौकोर होता है, याद रखना चौकोर होता है, लेकिन उसमें जितने बिल बने हैं वो एकदम गोलाई में ही बने हुए हैं, ठीक है। कैसे गोलाई में बने हैं कि देखो इसमें बीच में एकदम ये ब्लू कलर का बिल बना है, बहुत छोटा, देखो यहां मैंने एरो किया है, ये दिख रहा हो तो आपको, एकदम बीचो बीच सेंटर में ये जो बिल बना है इसका नाम है इंद्रक बिल, और इस क्या नाम पूरा, इंद्रक, सीमंतक इंद्रक बिल है।
सीमन तक इंद्रक बिले। फिर इसके बाद देखो ये पूरब दिशा है, ये एक नंबर लिखा है, बहुत छोटा हो रहा है, ये बड़ा तो कैसे होएगा, नहीं होएगा लग रहा है ना। देखो ये एक नंबर लिखा है, फिर ये दूसरा समझो, फिर ये तीसरा समझो, फिर ये चौथा समझो, फिर पांचवा समझो, छठा समझो, जगह तो कम है इसलिए डायरेक्ट फिर उन्होंने अगला नंबर 49 लिख दिया। एक से लेकर के 49 तक के बिल पूरब दिशा में बने हुए हैं सीरियल से, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। पूरब दिशा में बिल्कुल लाइन से रो वाइज है, पंक्तिबद्ध तरीके से 49 बिल बने हैं। पश्चिम दिशा में भी एक के बाद एक ऐसा करके 49 बिल बने हैं। ये उत्तर दिशा में भी एक के बाद एक, के बाद एक के बाद 49 बिल बने हैं। दक्षिण दिशा में भी एक के बाद एक ऐसा करके ये 49 बिल बने हैं। चारों दिशाओं में 49 बिल बने हुए हैं लाइन से, ठीक है। इसके बाद चारों विदिशाएं बची, इनमें 49 नहीं है, कम है, एक एक बिल कम है। अब जैसे ये पूरब और उत्तर के बीच की ये जो लाइन है, इस लाइन में एक से लेकर के 48 तक बिल बने हैं, एक बिल कम है। चारों दिशाओं में 49 बिल बने हैं, लेकिन चारों विदिशाओं में एक कम कर दो, 48 बिल बने हैं सीरियल से। ये देखो पहले नरक की पहली पटल को यदि आप ऊपर की तरफ से देखोगे ऐसा, तो आपको ऐसी दिखेगी ये पटल। देखो ये है, आपको यही मध्य लोक में बैठे बैठे पहले नरक की पटल कैसी दिखती है वो यहाँ पर बताया जा रहा है, कैसी दिखती है, किस तरीके की बनी है, कैसी होती है, ठीक है। तो ये कितने बिल हो गए इनको गिन लेना आप, ठीक है। अभी देखो इसके बाद तीसरे जो बिल हैं वो पुष्प प्रकीर्णक बिल हैं, बिखरे हुए, कहीं पर भी बिखर जाते हैं। तो देखो बीच में कितने सारे ये बिल 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 रेड कलर में बने हुए हैं, कहीं पर भी इनका कोई सिस्टम नहीं, भरी हुई है पूरी पटल, पूरी पटल एकदम बिलों से भरी हुई है जोरदार। अभी इसको ऊपर से देखोगे तो ऐसे ही लगेगा जैसे आसमान में तारे हैं, ऐसे ही है। तो ऐसे बिल बने हुए हैं पूरे पहले नरक की पहली पटल पर, ठीक है। ये सारे बिल जो है किस तरह से हैं, कैसे हैं, कोई तो गोल है, कोई तिकोना है, चौकोर कोई नहीं है, कोई पांच कोण वाला है, कोई छह कोण वाला है, ऐसे ऐसे बिल हैं, कठोर हैं, कर्कश भूमि है, एकदम वज्र की दीवारों जैसे हैं, चुभते हैं, घने अंधेरे से भरे हुए हैं, डरावनी इनमें आवाजें आती रहती है। ऐसे बिलों के अंदर नार की जीव रहते हैं, वहीं पर उनका जन्म होता है। कैसे जन्म होता है, माता पिता से नहीं होता है। माता पिता वाला जन्म नरकों में और स्वर्गों में नहीं होता है, वो सीधे डायरेक्ट उत्पाद जन्म होता है, वैक्रिक शरीर होता है। ऐसे नहीं कि छोटा बच्चा हुआ, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, ऐसा नहीं है सिस्टम। वो सीधा ही डायरेक्ट जैसा होना है एक बार ही हो जाता है, उन बिलों में उनका सीधा ही जन्म होता है। जैसे मक्खी मच्छर होते ना, मक्खी मच्छर का जन्म होता है तो वो माता पिता से नहीं होता, वो सम्मूर्छन जन्म होता है अपने आप ही, लेकिन सम्मूर्छन थोड़ा अलग है और व्याकृत थोड़ा अलग है, लेकिन लगभग जन्म इस तरीके का, ठीक है। तो वो नार की जीव इन बिलों में जन्म लेते हैं, ठीक है। फिर वहां से वो ऊपर से नीचे गिरते हैं, फिर नीचे गिरने की स्थिति तो आपको पता ही है, छडाला में खूब गाते हैं अपन, तहां भूमि पर सत दुख इशो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिशो। उन भूमि पर जब गिरता है, वहां से गिरता है नरक के बिलों से, और जैसे ही उस धरती पर गिरता है तो वहां पर ऐसी पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा होती है, वहां की मिट्टी में ही ऐसी विशेषता है कि ऐसा लगता है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ, हजार नहीं हजारों, जैसे बीस नहीं बीसों, ऐसे है ना, तो हजार नहीं हजारों, यानी बहुत सारे बिच्छू एक साथ पूरे शरीर में डंक मारे। एक डंक मारने पर कितनी पीड़ा होती है इसका अंदाजा नहीं, यदि किसी को काटा हो वही समझ सकता है, हैं। तो ऐसी पीड़ा उस नारकी को होती है। ये सारे दुख हमको इसलिए बताए जा रहे हैं कि हमको ये समझ में आता है कि हमने इस लोक में कितने दुख पाए हैं, कितनी बार नरक में गए हैं, नरकों में सैर करते करते हम थके नहीं, बहुत बार नरक गए हैं, और सारे नरकों में सातों नरकों में गए हैं। सातों नरकों के जो पूरे 84 लाख बिल है ना,
उनमें हर एक बिल में जन्म लिया है हमने। 84 लाख बिल में से कोई सा भी बिल ऐसा नहीं है जिसमें हमने जन्म नहीं लिया। हम सभी बिलों में जाकर आए हैं। देखो गजब बात, सब बिलों की सैर कर ली। कितने दुख पाए हैं, किस तरह के पाए हैं, सोचो। ये जो एक नरक, पहला दूसरा नरक तो एक राजू में ही है, फिर आगे के नरक तो एक एक राजू में है। यानी एक नरक की ऊंचाई जो है, पहले दूसरे को यदि छोड़ दें तो बाकी सबकी ऊंचाई एक राजू जितनी है। कितनी ऊंचाई है नरक की? एक राजू है। तो एक राजू ऊंचाई से वो जीव गिरता है, गिरता है एक राजू की ऊंचाई से। ताज्जुब की बात है, एक राजू की ऊंचाई से गिरने का मतलब जानते हैं कितना बड़ा भयंकर? वो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, लोहे के गोले को ऊपर से गिराया जाए तो गिरने में ही जिसको 500 साल लग जाए नीचे, इतनी तो ऊंचाई है वो एक राजू। इतनी ऊंचाई से वो नार की गिरता है तेजी से, अंतर्मूर्त के अंदर ही गिर जाता है। कुछ ऐसी व्यवस्था है गजब की है। और गिर करके गेंद के समान उछलता है, गेंद के समान उछलता है। जैसे गेंद गिरती है ना जमीन पर टप से, फिर ऊंची उछलती है, फिर उसका जो गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे कम होता है, जो पृथ्वी की ग्रेविटी है ना वो धीरे धीरे कम होता है, तो फिर उछल के वापस थोड़ा कम, फिर उछल के फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा थोड़ा कम होते होते वो फिर एक हमें ऐसा आएगा कि जमीन पर ही गिरा पड़ा रह जाएगा। जब गिरा पड़ा रह जाएगा तो चारों तरफ से बहुत सारे नारकी आएंगे और चिल्लाते हुए दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ऐसा करके शोर मचाते हुए नारकी आते हैं और उसको घेर लेते हैं पकड़ करके। नए नारकी को देखते ही पुराने नारकियों को एकदम मजा आ जाता है कि चलो कोई आया है नया, इसको पकड़ो। आपस में लड़ना भिड़ना छोड़ करके और नए नारकी के पीछे पड़ जाते हैं सबके सब, उसको मारना शुरू कर देते हैं। कोई काटता है, कोई बेदता है, कोई छेदता है, कोई भट्टी में डाल देता है, कोई गर्म कढ़ाई में डाल देता है, कोई ये सब वर्णन है शास्त्रों में लिखा है। ये सब वर्णनों को सुन करके कई बार हमको लगता है कि ये सही है कि गलत है। ये सच में ही है क्या? ऐसा है क्या? नरक में कढ़ाई भी होते हैं क्या? इसका मतलब कोई लुहार का काम करता है क्या वहां पर? ये कढ़ाई कहाँ से आएंगे है? ये करौंत कहाँ से आई? ये भट्टी किसने बनाई? अरे वहां आग भी जलती है क्या? ऐसे ऐसे बहुत सारे। अच्छा तेल कहाँ से आया नरक में? तेल के कढ़ाई में पक डाल देते हैं तो तेल भी होता है क्या नरक में? ऐसे ऐसे। अच्छा पेड़ की सेमल पेड़ के नीचे जाके बैठता है तो क्या पेड़ पौधे वनस्पति ऐसे भी होती है क्या? ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न अपने मन में उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो, ये सब वर्णन हमको जो किया जा रहा है ना, ये सब हमारे अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखो बच्चे को समझाना हो तो बच्चे की भाषा में समझाया जाता है ना? तो ऐसे हमको समझाना है नरक के दुख, हम है मध्य लोक में, तो हमको हमारी भाषा में समझाया जाए। भले ही वहां नरकों में तेल है, कड़ाए हैं कि नहीं है, जाने दो उसको, लेकिन मध्य लोक में जब कड़ाई में किसी को डाल दिया जाए तब तो जैसी पीड़ा होगी ना वैसी पीड़ा नरक में होगी, चाहे वहां कड़ाए हो कि नहीं है वो बाद की बात, जाने दो। समझ में आया? कहने का अर्थ इस प्रकार का दुख वहां पर दिया जाता है। जिन्होंने हमेशा बुरी बुरी बात कही है, गंदी गंदी गालियां दी है, जो जो हमेशा दुर्वचन बोलते हैं, खोटे वचन बोलते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले मर्माहा वचन बोलते हैं, ऐसे लोगों के गले में जो है गरम गरम लोहा पिघला करके डाल दिया जाता है नरकों में। सोचिए गजब है। जिन्होंने हमेशा गंदी गंदी बातें अपने कानों से सुनी है, उनके कानों में सीसा पिघला के डाल दिया जाता है। जो मांस खाते हैं ऐसे लोगों को उनके ही शरीर का मांस काट करके उनके मुंह में देते हैं, खा मांस खाया था ना तूने, तुझे मांस बहुत पसंद है ना, ले ये मांस खा, अपना ही मांस खा, अपना ही मांस खिलाते हैं। जो लोग शराब पीते हैं वो गरम गरम लोहे को पिघला के शराब के जैसा उसके मुंह में, ये पी शराब, ऐसा ऐसा शराब का फल, मतलब देखो ना कैसे कैसे कष्ट है। जो लोग परस्त्री सेवन करते हैं, वेश्यागमन करते हैं, अन्य की स्त्री के साथ में रमण करते हैं, ऐसे जीवों को वहां नरकों में लोहे की गरम गरम पुतलियां हैं, गरम गरम लोहे की पुतलियां, लोहे की नारी की पुतली मुद्रा में प्रतिमाएं बनी है ऐसे समझो, और उसको एकदम गरम लाल रंग की हो गई, एकदम गरम लोहा, उससे चिपका देते हैं कि लो तुझे ऐसा ऐसा पसंद था ना, तू ऐसे ही कर। इस तरह से
अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, उन कष्टों का कोई हिसाब नहीं है, परम्पार है, हजारों जिज्ञासुओं से लगातार वर्षों तक कही जाए तो भी उन दुखों का आर पार नहीं है। ऐसे भयंकर दुख क्यों पाए हमने? अपने आत्मा को न जानने के कारण, अपने आत्मा को न जानने के कारण। अब बोलो, बात चल रही है नरकों की, ये आत्मा कहां से आया बीच में? बात चल रही नरकों की, आत्मा कहां से बीच में आया? ये बात ऐसी है, मैंने आपको एक बार बहुत पहले एक दृष्टांत दिया था कि एक आदमी सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था, धूम्रपान करता था। सबने बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, नहीं समझ में आती थी बात। फिर एक मनोवैज्ञानिक ने कहा, अरे भाई तुम बहुत अच्छा काम करते हो, इससे तो तीन तीन बेनिफिट है, बढ़िया है, पियो। वो एकदम चक्कर पड़ गया, क्या हुआ, ये सारी दुनिया तो गलत बोलती थी, ये आदमी अच्छा है। हाँ 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 हाँ, तुम बोलो, तुम तो बढ़िया मेरे मन की बात करने वाले हो। फिर उसने कहा, देखो तुम यदि मान लो रोज धूम्रपान करोगे तो तुम्हारे फेफड़े जो है खराब हो जाएंगे, तुमको खांसी उठेगी, तुम खांसते रहोगे रात रात भर, तो तुम्हारे घर में कोई चोर चोरी करने के लिए कैसे घुसेगा बताओ? घुस ही नहीं पाएगा, तो तुम्हारे घर में कभी चोरी होगी नहीं, पहला फायदा तो ये है। फिर कि तुम ज्यादा कमजोर हो जाओगे तो फिर तुम जो है लाठी लेकर के चलोगे, हैं, कमजोर हो जाओगे तो लाठी लेके चलोगे। तो कोई कुत्ता, आवारा कुत्ता, कोई मान लो पागल कुत्ता आपको कभी काट भी नहीं पाएगा, क्योंकि हाथ में लाठी रहेगी ना, तो डर के मारे कोई आएगा नहीं, कुत्ता भी नहीं काटेगा आपको। फिर आप इतने जल्दी भरी जवानी में ही मर जाओगे तो बुढ़ापा भी नहीं आएगा ना आपको, कितना बढ़िया फायदा है। तो ऐसे जब उसको समझाया तो उसके, अरे तो क्या करूं कि छोड़ दे धूम्रपान, और क्या, अरे अच्छा ठीक ठीक। तो ऐसे ही एक मनोवैज्ञानिक आचार्य हमको मिले, हमारे जैनाचार्य मनोवैज्ञानिक, जो हमको ये कह रहे हैं कि देख भाई तू आत्मा का अनुभव कर ले, वरना तेरी दुर्गति होनी है, बिल्कुल पक्की बात है। तू आत्मा का अनुभव कर, तुझे ये बहुत कीमती मनुष्य जीवन मिला है, तू दिन रात करता क्या है, कमाई के चक्कर में लगा है, तेरा पेट इतना बड़ा नहीं है, आराम से भर जाएगा, चिंता मत कर, सुबह शाम थोड़ा तो कर। आत्मा ये सुनता ही नहीं, समझ में नहीं आती। फिर करुणान योग के एक आचार्य आए, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, करेंगे हम तेरे से, तू तेरे को पसंद नहीं ना ये आत्मा की बात, ठीक है अब बात ही नहीं करेंगे, चल तेरे को नरक का वर्णन सुनाते हैं, चलो। फिर वो कहानी, अच्छा कहानी सुनाएंगे, ठीक है नरक कैसा होता है, हाँ सुनाओ। फिर सुनाया, नरक का वर्णन सुनाया। उसको सुनते सुनते ये जीव, अरे ऐसे दुख ऐसे मैंने पाए, अरे क्या करूं कैसे करूं, कैसे बचूंगा, कि जा आत्मा का अनुभव कर फिर। तो ऐसे ही ये जो है तरीका है, ये कथन पद्धति है, करुणान योग की कथन पद्धति थोड़ी सी अलग है। इस कथन पद्धति को नहीं जानने वाले लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, वो कहते हैं अरे ये अप्रयोजन भूत बात है, इसको जान के क्या फायदा है ना। बात तो अप्रयोजन भूत ही है, कोई बात नहीं है, यदि मान लो आप ये करुणान योग के विषय में कुछ थोड़ी बहुत भूल कर देते हो, है जानबूझ के नहीं, अनजाने में थोड़ी बहुत भूल भी कर देते हो, तो इससे आपके प्रयोजन भूत तत्वों के संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यदि मान लो 84 लाख बिल है, किस नरक में कितने हैं, किसी में कम ज्यादा आप गलत ध्यान रह गया, तो इससे आपके श्रद्धान में या आत्मदर्शन में, सम्यक दर्शन में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि सम्यक दृष्टि जीव को भी किसी अज्ञानी गुरु के माध्यम से गलत ज्ञान हो जावे तो भी उसका सम्यक दर्शन नहीं टूटेगा। ये भी बड़ी विचित्र बात है, नहीं सुनी होगी शायद कभी, और सुनी भी होगी मोक्षमार्ग प्रकाशक में रेफरेंस दिया है, अजान मानो गुरु नियोगा, कि कोई अजान मान गुरु है उसके माध्यम से यदि आपको कोई गलत ज्ञान हो गया कोई दिक्कत नहीं, गलत ज्ञान हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी बात समझ में आई क्या, किस तरह बात समझ में आई, कि पहला नरक है। अभी देखो सातों नरकों को तो एक तरफ रखो, क्योंकि एक साथ सातों को पढ़ते हैं ना तो कंफ्यूजन होता है, पहले एक को पकड़ो, एक को समझ गए फिर दूसरा आसान है, हैं, और फिर एक में भी 13 पटल हैं, तो पूरी 13 को मत पकड़ो, पहले एक को ही पकड़ो, फिर एक पटल समझ में आ गई तो 13 समझ में आ जाएगी, 13 पूरी समझ में आ गई तो एक नरक कंप्लीट हो गया, फिर एक कंप्लीट हो गया तो दूसरा आसान, तीसरा आसान, चौथा आसान, फिर बाकी के आसान हो जाएंगे। तो सीरियल से एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप बिल्कुल सिस्टम से समझ लीजिए। पहले नरक की पहली पटल, जहां पर कौन, ये 10,000 वर्ष की मिनिमम आयु है वहां पर,
आगे आयु भी बताऊंगा मैं आपको, हर नरक की मिनिमम आयु भी बताऊंगा, उन नरकों में नारकी कितने कितने ऊंचाई के हैं, उनकी हाइट कितनी है, वो कितनी ऊंचाई से गिरते हैं तो वो बॉल की तरह कितने ऊंचे उछलते हैं, है ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी देखो कि जो पहले नरक की पहली पटल है उसमें चारों दिशाओं में कितने कितने बिल हैं, 49, चारों दिशाओं में 49, चार दिशाओं में बिल है, और चारों विदिशाओं में 48, 48, 48 और 48 इतने बिल हैं। एक बिल बिल्कुल बीचों बीच है जिसका नाम इंद्रक बिल है। चार दिशा और चार विदिशा टोटल 8 दिशाओं के बिलों को कहते हैं श्रेणीबद्ध बिल, पंक्तिबद्ध बिल, ठीक है। और बाकी के 8 दिशाओं के बीच में इर्द गिर्द ऊपर नीचे आगे पीछे अस्त व्यस्त कहीं पर भी जो बिल बने हैं उन बिलों को प्रकीर्णक बिल कहते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के बिल हो गए अपने पास, ठीक है, 3 प्रकार के बिल हो गए। अब देखो है ना, ये अस्त व्यस्त बिल, ये प्रकीर्णक बिल, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, अरे नहीं दिख रहा है, कहाँ गया, इसके शेयर नहीं किया मैंने आपको, एक मिनट फिर से करता हूं। तो ये जो है 3 प्रकार के बिल हैं, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, ठीक है। अब इसमें से इंद्रक बिल तो एक पटल पर एक ही रहता है, इंद्रक बिल तो एक पटल पर एक ही रहता है, इकलौता बीचों बीच सेंटर में, एक से ज्यादा होते ही नहीं है, हर पटल पर इंद्रक बिल एक ही रहता है। उसका नाम ही इंद्रक इसलिए पड़ा है, इंद्रक मतलब इंद्र तो एक ही रहेगा ना, हर स्वर्ग में 2 इंद्र थोड़ी होते हैं, एक ही इंद्र होता है, राजा तो एक ही रहेगा शासक, तो ऐसे ही इंद्रक नाम इसलिए दिया है कि वो एक पटल पर एक ही होगा। हर पटल के नाम भी है शास्त्रों में, नाम नाम पता ही कि नहीं आपको, देखो नाम, ये जो क्या बोलते हैं नरक पृथ्वियों के नाम मैंने आपको बताए, और इसके बाद ये जो पटल 49 पूरे, उनके सबके नाम शास्त्रों में दिखे हैं, और आचार्यों ने तो ये भी लिखा है कि ये पटल तो चलो 49 है इसलिए हमने आपको नाम गिना दिए, लेकिन जो एक एक बिल हैं 84 लाख बिल, उनके भी नाम हैं, 84 लाख नाम हैं उनके भी, लेकिन वो केवली के ज्ञान में है, हम कहाँ तक गिनाएंगे और तुम कहाँ तक याद रखोगे, गिनाने का फायदा नहीं है। और हम तो ये जो पटलों के नाम गिना रहे हैं ना, ये नाम भी थोड़े अच्छे नहीं है, ये बहुत अशुभ नाम है, ये नाम लेने योग्य नहीं अपनी जुबान से भी, लेकिन हम फिर भी गिना देते हैं आपको, ऐसा कहते हुए आचार्यों ने ये नाम गिनाए। क्या कह रहे हैं वो, कि ये जो क्या बोलते हैं पटल 49 पटल, उनके नाम भी अच्छे नहीं माने जाते हैं, अशुभ नाम है, लेकिन फिर भी जानकारी की दृष्टि से आपको बताते हैं। पहले नरक के 13 पटल के नाम में बोलता हूं, ठीक है। पहले पटल का तो बताया मैं आपको, सीमंतक पटल है। दूसरी पटल का नाम है निरय पटल है। तीसरी का नाम है रौरुक, तीसरी का नाम रौरुक है। चौथी का नाम भ्रांत है। पांचवी का नाम उद्भ्रांत है। छठवीं का नाम संभ्रांत है। सातवीं का नाम असंभ्रांत है। आठवीं का नाम विभ्रांत है। नौवीं का नाम त्रस्त है। दसवीं का नाम त्रसित है। ग्यारहवीं का वक्रांत है। बारहवीं का अवक्रांत है। और 13वीं का विक्रांत है। ये 13 नाम पहली पटल के 13 नाम ऐसे ही पूरे हैं, दूसरे नरक की 11 के, तीसरे की के 9 पटलों के, ऐसे सब नाम 49 के 49 नाम जो है इस पुस्तक में अवेलेबल है, लिखे हुए हैं इसमें पूरे 49 पटलों के नाम है। अब ये नाम मैंने सुनाए तो सही आपको, लेकिन याद तो रहेंगे नहीं, है ना, न आपको याद करने वाले हो, इसलिए मैं सुनाने को पूरे ही सुना सकता हूँ 49, लेकिन अभी सुनाऊंगा नहीं क्योंकि वो आपको याद रखने नहीं है, है ना। लेकिन इनमें से पहली पटल का याद रखो, एक तो एक अंतिम का याद रखो, ये तो इजी है ना, कम से कम 2 तो याद रख सकते हैं अपन, पहली का तो बताया ही सीमंतक, और दूसरी लास्ट में सबसे लास्ट 7वें नरक में एक ही पटल है, उस पटल का नाम है अवधिष्ठान पटल। अवधिष्ठान भी कह सकते हैं या प्रतिष्ठान भी कह सकते हैं, 2 नाम है उसके, है ना, 2 नाम मिलते हैं, अवधिष्ठान अथवा अप्रतिष्ठान ऐसा नाम बोलते हैं उसको। तो वो जो है 7वीं पटल, मतलब 7वीं नरक की अंतिम 49वीं पटल, उसका नाम है ये।
ठीक है, उसमें 5 ही बिल है केवल, और पहले नरक में 30 लाख बिल है। पहले में 30 लाख है और सातवीं में मात्र 5 बिल है, सोचो कितना कम, कितना डिफरेंस है। तो इस तरह से ये बिलों की संख्या के बारे में समझ रहे हैं आप। यदि आपके मन में कोई प्रश्न होए, देखो मैं ही में बोल रहा हूं, लेकिन आपके मन में भी कोई प्रश्न होए तो आप बीच में ही पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को कतई, ठीक है। आप एकदम एकदम अनौपचारिक रूप से पढ़िए, पूरा समझ के पढ़िए, भले ही 2-4 क्लास लेट हो जाए, आगे पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विषय आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये विषय बार बार पढ़ने पढ़ाने वाले कम ही मिलते हैं, विषय ऐसा है, और ये विषय अब देखो ना, मध्य लोक में बैठे हैं और नीचे नर्क कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं, है वहां की दुर्गंध बहुत है। दुर्गंध कैसी है, जैसे मान लो ये मध्य लोक में कोई गाय भैंस है कुत्ता ये मर जाए, गाय भैंस कुत्ता ऐसे पशु मर जाते हैं, और वो मर करके कई दिन तक उनके शरीर सड़ जाता है, उस शरीर के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, और वहां से भयंकर दुर्गंध आती है। कभी आपने देखा होगा ऐसी दुर्गंध को, अनुभव किया होगा कभी, है ना। तो मान लो कोई कुत्ता मर गया और 3 दिन की सड़ी गली लाश जिसमें कीड़े खटपटा रहे हैं और इतनी भयंकर बदबू आ रही है, वहां से सहन नहीं हो रही, आपकी नाक फट रही है एकदम। तो वो कह रहे हैं कि वैसी बदबू को अनंत से गुणा करो। क्या समझ में आया, वैसी बदबू को अनंत से गुणा करो, फिर जो बदबू होती है ऐसी बदबू इन नरक बिलों में भरी पड़ी है। सोचो अब यहां मध्यलोक में बैठे बैठे आपको फीलिंग करवा दिया मैंने, आप फीलिंग कर लिया कि उस सातवें नरक में जो बिल है, आप समझो एक कल्पना करो कि उस बिल के अंदर हम पहुंच गए सीधे। पहुंचना नहीं है वैसे, हम चाहते नहीं कि वहां पहुंचे, लेकिन सोचो कि आप पहुंच गए तो वहां पर देखो स्पर्श रस गंध वर्ण चारों चीजें आपको समझा देता हूं। वहां के स्पर्श एकदम तीक्ष्ण है, कठोर है, कर्कश है, भूमि एकदम चुभने वाली है, चुभने वाली है, एकदम कांटेदार है, एकदम भयंकर स्पर्श ऐसा है, है स्पर्श। रस कैसा है कि वहां रस का तो बात ही क्या करें, बड़ा विचित्र है, वहां की जो है मिट्टी है उसी को खाते नार की, खाने के लिए और कुछ नहीं है, कोई फसल तो होती नहीं है, अनाज होता नहीं है, है ना। भूख भी बहुत तीव्र लगती है, सब 6 डाला में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन वहां की मिट्टी को खाते हैं मिट्टी, ठीक है। तो रस गंध स्पर्श हो गया, रस हो गया, गंध, गंध मैंने बताई आपको, मृतक पशु क्लेवर से उत्पन्न जो गंध है उसका अनंत गुनी दुर्गंध वहां के बिलों में भरी है, ठीक है। वर्ण कैसा है, अंधेरे से भरी है गुफाएं, गुफा में अंधेरा है, गुप्त अंधेरा, एकदम घनघोर अंधेरा है, अंधेरा है, बदबू है, और चुभने वाली दीवारें हैं, और डरावनी उनमें आवाज आती है। अब जो कैसा लगता होगा, जैसे कोई आदमी को बोरे में बंद कर दो, गोनी होती ना गोनी, उसमें बंद कर दो, और बंद करके उसमें पहली बात तो अंधेरा है, फिर सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, फिर जो है डंडे मारो ऊपर से, है ऊपर से डंडे पड़ रहे हैं, अंदर आदमी बंद है, सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा है, फिर डरावनी आवाजें हो रहा है, फिर गंदी गंदी बदबू आवे, तो सोचो कैसा भयंकर लगेगा। ऐसी भयंकर पीड़ा उन नारकियों को प्रति समय बनी रहती है, बताओ कहां उनको चैन है, कितनी अशांति है, हम लोग कितनी शांति से बैठे हैं, हैं ऐसे नरक में नारकी जीव क्या कोई स्वाध्याय कर सकता है, क्या कोई देवशास्त्र गुरु का कोई चिंतन का कुछ कुछ विकल्प भी आ सकता है, सवाल ही नहीं है। हम तो शांति से बैठे हैं, खाने पीने का पूरा जुगाड़ है, 2 मिनट में किचन में जाते हैं कुछ खा लेते हैं, होता है कि नहीं, सब चीज है ना, फिर दिक्कत किस बात की है, फिर इतना भरपूर, इतने संयोग है, इतनी सुविधाएं हैं, इतने सब कुछ मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको जीवन में किस तरह से अपन को धर्म को उतारना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समझ में आई कि नहीं बात आपको, एकदम समझने योग्य बात है, बहुत गंभीर बात है ये। पूरे नरक में आपको 84 लाख जो बिल हैं, नरक बिल, उनको मैं पूरी काउंटिंग करा दूंगा आप। 84 लाख बिलों की काउंटिंग पूरी करा देंगे आपके, ठीक है, काउंटिंग पूरी करा देंगे, वहां पर कैसा स्पर्श रस गंध वर्ण है वो फीलिंग करा देंगे, हर चीज दिखती कैसी है वो भी बता देंगे, है ना, हर चीज बताई जाएगी क्लियर तरीके से। बहुत लंबा विषय है ये, बहुत लंबा विषय है, ठीक है, लेकिन अभी देखो थोड़ा जटिल भी है, बीच बीच में कुछ कठिनाइयां, जैसे क्या होता है ये, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ज्यादा खा लिया जाए, पचने में मुश्किल होती है, कठिन पड़ता है ये, जैसे अभी मैं संख्याओं में ज्यादा उलझा दूं
तो आप अगली बार आएंगे नहीं, बोलेंगे अरे ये तो बहुत कठिन हो गया, गणित बहुत ज्यादा हो गई इसमें, इसलिए थोड़ी थोड़ी गणित बीच बीच में चलता हूं मैं, ठीक है ना। तो अभी तो पहले नरक में जो 30 लाख बिल है, आज उनकी काउंटिंग कराऊं क्या? करा देता हूं। देखो पहले नरक के, एक मिनट, पहले नरक में मान लो 30 लाख बिल कैसे होते हैं, तो आप कैसे होते हैं, एक मिनट कहाँ गया आप, ये पहले नरक के जो 30 लाख बिल हैं उनमें से पटल कितनी, 13, ठीक है। तो 13 पटल, एक मिनट में मैं शेयर ही करूँ स्क्रीन, शेयर जब समझ में आए आपको लिख करके बताऊं। ये समझो ये जो 3 प्रकार के बिल हैं, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, यहाँ लिख देता हूँ एक बार, इंद्रक बिल, ठीक है। ये कितने होंगे पहले नरक में, 13 होंगे, पहले नरक में 13 इंद्रक बिल होंगे। और श्रेणीबद्ध कितने होंगे, श्रेणीबद्ध, तो अब ये जो है पहली नरक में 4420 है, है ना, इतने ही है कि नहीं, कंफर्म कर लेते हैं, 4420 है, ठीक है, देखो हाँ ठीक है 4420 है। और प्रकीर्णक बिल कितने हैं, एक मिनट, हिंदी की फॉन्ट में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, कट जाती है बार बार। प्रकीर्णक बिल अब लगा लेना, बाकी के बिल कितने, 30 लाख बिलों में से 4420 कम कर दो, फिर 13 भी कम कर दो, और बाकी के जितने बचेंगे उतने जो है प्रकीर्णक बिल होंगे। कितने होंगे ये, ये होंगे करीब 2 लाख, कितने हैं 2 लाख पहले नरक में, आप कम कर लेंगे क्या, कितने हुए ये 30 लाख में से कम करने हैं, 4433 बिल कम करने हैं, तो 29,95,567 बिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये टोटल कितने हुए, 30 लाख बिल हुए। अब आप कहोगे इसका कोई तरीका है क्या, कैसे करें, कैसे निकाला, कैसे करना है, तो कैसे करना है उसका देखो तरीका सीधा है। आपको सबसे पहले ये संख्या ऊपर की है ना, ये 30 लाख बिल, 25 लाख बिल, 15 लाख बिल, ये तो कम से कम ध्यान रख लो, ठीक है, ये तो कम से कम ध्यान रख लो। इसके आगे इंद्रक बिल तो याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर नरक में जितने पटल हैं उतने इंद्रक बिल हैं, ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब आपको मात्र श्रेणीबद्ध बिल निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी है बस, ठीक है, श्रेणीबद्ध निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। थोड़ी सी कितनी मेहनत करनी है, देखो पहली नरक का मैं 13 पटलों के सभी श्रेणीबद्ध निकाल के देख लेते हैं, हालांकि मेरी भी गणित उतनी बढ़िया नहीं है, मैं भी इतना होशियार नहीं हूँ, इसके सूत्र होते हैं गणित में, बहुत एकदम चुटकियों में निकल जाता है, लेकिन वो सूत्र मुझे नहीं मालूम है, मैं तो मेरी ऐसी सादा गणित से ही करता हूँ। तो सादा गणित से कैसे काम करना है, देखो पहली पटल पर चारों दिशाओं में 49 बिल हैं, तो कितने हुए, 4 कम 200 हुए ना, 4 कम 200, और इसके आगे की चारों विदिशाओं में भी जोड़ो, वहां 48 बिल है, तो 8 कम 200 हुए। एक ही पटल की बात कर रहे हैं अभी, तो 13 पटल के पूरे काउंट करने हैं अभी, तो एक पे कितने हुए, 4 कम 200 और 8 कम 200, तो कितने, 12 कम 400 एक पटल पर, एक पटल पर श्रेणीबद्ध बिल 12 कम 400 हुए, यानी कि 388 हुए, ठीक है, 388 एक पटल के हुए। फिर चारों दिशा और चारों विदिशा 8 पे एक एक कम हो गया, यानी कि 8 बिल और कम कर दो, तो दूसरी पटल पे कितने बिल होंगे, 380 बिल हो जाएंगे। फिर तीसरी पटल पे और 8 कम कर दो, तो 372 हो जाएंगे। चौथी पटल पे फिर 8 कम कर दो, तो कितने हो जाएंगे, हैं 364 हो जाएंगे। फिर पांचवी पटल पर 356 हो जाएंगे। फिर ये कितनी, 5 पटल हो गई। छठवीं पटल पर कितने होंगे, 348, और सातवीं पर 340, ठीक है। पूरी 13 करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि क्या करने हैं, 13 में से बीच वाला निकाल लेते हैं अपन, ऊपर की 6 और नीचे की 6 जाने दो, 6 ऊपर की छोड़ दो और 6 नीचे की छोड़ दो, एवरेज आ जाएगा।
अपन को एवरेज निकाल लेते हैं, तो एवरेज के लिए बीच वाली यानी सातवीं पटल, अब गिनो, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, है ना, ऐसा करके सातवीं कौन सी है, ये है 340, ठीक है। अब ये 340 को आप गुणा, गुणा का निशान, एक मिनट, ये गुणा का निशान, ये क्या हिंदी फॉन्ट है ना, इसलिए थोड़े सी, एक मिनट, यहाँ गुणा का निशान कर देता हूं, ये गुणा हो गया, ठीक है, इसको गुणा करो किससे, 13 से, 13 से गुणा करो, बड़ा कर लो और 13 से गुणा करो, तो फिर आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा, ये 4420 आ जाएगा। देखो ये 4420 कहाँ लिखा है, ये लिखा श्रेणीबद्ध 4420, ऐसे निकाल लिया मैंने तो, मेरा तरीका समझ में आई कि नहीं। मैंने सातवीं पटल को क्यों काउंट किया, क्योंकि ऊपर की छह छोड़ दी और नीचे की छह काउंट ही नहीं करी मैंने, मैंने तो सात तक ही काउंट करी, क्योंकि मुझे सातवीं की जरूरत थी, सातवीं यानी बीच की है ना, 13 में से बीच का सातवां है, तो वो चाहिए थी मुझे, तो इसलिए मैंने सात तक ही काउंट किया, आगे काउंट ही नहीं किया, है ना। और सातवीं पे जितने बिल थे उनको फिर 13 से गुणा कर दिया, क्योंकि वो एवरेज आ गया था, है ना। तो इस तरह से ये 4420 तो श्रेणीबद्ध बिल पहली नरक में है, और इंद्रक बिल 13 है, 13 और 4420 कितने हुए, 4433 हुए, और हमारे पास टोटल संख्या मालूम है 30 लाख, तो 30 लाख में से 4433 कम कर दो तो 29,95,567 बिल प्रकीर्णक बिल होते हैं, बस ऐसा मालूम चल जाता है। अभी समझ में आया कि नहीं आया, ये पहली नरक के बिलों की संख्या आ गई, ठीक है। चलो चर्चा तो और बहुत है, वो अपन आगे करेंगे, लेकिन आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे। इसके पहले आपके मन में कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। थोड़ी सी चर्चा कठिन होगी तो उसको अगली बार सरल कर देंगे, और आप बता भी देना मेरे को कि यहाँ कठिन हुआ तो सरल करेंगे, वरना मेरे को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब बताइए, ठीक है, समझ में आया आज का, कठिन तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बता देना, ठीक है। चलो जी समापन कर देते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।